हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग मालपुआ बनाते हैं जो हम व्रत में भी खा सकते हैं। उसको आसान तरीके से बनाएंगे। उसके लिए पहले हमने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें आपको 200 ग्राम खोआ डालना है या घर में ही रबड़ी बना कर डाल लें, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर लें। मेरे घर में थोड़ा खोआ था, थोड़ा मैंने दूध जला कर रबड़ी बना ली है, उसी को मैंने बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, घर में ही खोआ बना लें या रबड़ी बना लें या फिर बाज़ार से ले लें। मैंने मिक्सी के जार ले लिया है, उसमें मैंने 200 ग्राम खोआ डाल दिया है। अब उसमें हम पीसी हुई इलायची डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच हम सौंफ का कुटी हुई सौंफ डालेंगे, और हम इसमें जो है थोड़ा सा सिंगाड़ा यानी आधा कप सिंगाड़े का आटा डालेंगे, और उसको फिर हम मिक्सी में अच्छे से चला कर लेंगे ताकि स्मूथ बैटर बन जाए। उसके बाद हम उसमें दूध डालेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाएंगे। अगर हमें लगे कि थोड़ा सा ये हमारा जो है बैटर मतलब थोड़ा सा गाढ़ा है, तो उसमें हम दूध और डालकर उसको हम पोरिंग की तरह पोरिंग पोर हो सके वैसा हम बैटर बना लेंगे। इसमें हमने कोकोनट पाउडर भी डाला है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दीजिए, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और मिक्सी को खूब चला लीजिए ताकि वो जो है स्मूथ बैटर बन जाए, और फिर उसको हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, इतना इसके लिए काफ़ी है। तब तक हम उसके जब जब ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेंगे। और ये मालपुए हैं, ये व्रत वाले हैं, तो सिंगाड़े का आटा लगा हुआ है, डाला हुआ है, जो आप व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, त्योहारों में भी बना कर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है और डिलीशियस भी है। व्रत में भी खाइए, 2 दिन पहले बना लीजिए, 1 दिन पहले बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, व्रत वाले दिन आप आराम से इसको खा सकते हैं। क्योंकि व्रत में अक्सर क्या होता है कि वो खाने के लिए फलाहारी में दिक्कत आती है, तो आप 1-2 दिन पहले भी बना कर इसको रख कर खा सकते हैं। आपका जो है इसे 2 मालपुए खा कर आपका अच्छे से पेट फील हो जाएगा। हमारा स्मूथ बैटर बन गया है, उसको हमने जो है रेस्ट के लिए रखना है। देखिए कितना अच्छा बैटर बन गया है, ऐसे ही बनाना है हमें, जो हम जब उसको पोर करें तो अच्छे से वो पोर हो जाए और फैल जाए। अब इसको हम जो है कटोरी में निकाल कर उसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी का वही तरीका है, 1 कप जो है हमारा चीनी लेंगे और उसी कप के मेजरमेंट से 1/2 कप हम पानी लेंगे, और उसमें आप चाहें तो रोज वाटर, इलायची और सेफ्रॉन वाटर या फिर कोई कलर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा डाल दीजिए, जो घर में अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। और उसको एक अच्छी सी हमें एक चीनी घुल जाने तक ही चाशनी बनानी है, चिपचिपी सी, हमें ना एक तरह की या 2 तरह की नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है, और ताकि चीनी हम घुल जाए। अगर आपका जो चीनी है उसमें चाशनी क्लियर नहीं है तो आप 1 चम्मच में दूध डाल सकते हैं और इसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये मतलब जब चाशनी ठंडी होगी तो क्रिस्टल नहीं बनेगा इससे, वो आपका जो है चाशनी अच्छे रहेगी, ताकि वो आपका जो मालपुआ है अच्छे से वो उसमें जो है चला जाए। और जब भी मालपुआ में आप जब चाशनी को रखें तो उसको आप थोड़ा सा चाशनी गर्म कर लीजिएगा ताकि मालपुए में चाशनी सोख जाए। देखिए इसमें बस रोज़ वाटर है, मैंने 1 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच मैंने जो है सेफ्रॉन डाला है वाटर, और ये हमारे जो है वो चाशनी जो है अब ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडे होने के रख देंगे। अब हमें जो है मालपुए के लिए तलने के लिए हमें पैन लेना होगा। पैन जो है वो चौड़े मुंह कर लीजिएगा, मेरे पास जो है आपके घर में जो अवेलेबल हो वो चौड़े मुंह कर लीजिए, या फिर आप कढ़ाई में भी ले सकते हैं। देखिए हमारी चाशनी जो है तैयार हो गई चिपचिपी सी, अभी हमारा चाशनी बन गई है। अब हमने पैन ले लिया, इसमें मैंने घी डाला है, आप चाहे घी लीजिए या फिर तेल लीजिए, घी में टेस्ट अब इन्हेंस हो जाता है। और तेल घी जो है गर्म होने के बाद ठंडा कर तब उसमें मालपुए का बैटर डालिएगा। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी, छोटा बड़ा जैसा भी। मैंने जैसे 2 डाला है आपको दिखाने के लिए, और उसको आप जब तक नीचे का जो है वो हो नहीं जाए तब तक उसको पलटिएगा मत, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, टूटने का डर रहेगा। जब नीचे का हो जाए मतलब लाल हो जाए थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे, तब उसको फिर पलटिएगा। बहुत सावधानी से पलटिए क्योंकि बहुत पतला रहता है तो वो टूटने का भी डर रहता है।
इसको पलट कर दोनों तरफ से सेक जाएँ। और अब जो भी आप बनाएं वो लो फ्लेम में बनाएं, लो टू मीडियम फ्लेम में। और जब दूसरी बार जब आप मतलब डालें बैटर कढ़ाई में या पैन में, तो एक बार घी जो है ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसको डालिएगा। गरम गरम घी में मत डालिएगा, नहीं तो वो ऊपर से सेक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैं देखिए अभी मैंने कढ़ाई जो है वो बंद कर दी है, अब इसको थोड़ी ठंडी करूँगी, उसके बाद में दूसरी बार बैटर डालूँगी। मैंने इस बार एक ही डाला है ताकि आपको दिखे कि आपको तो जो भी सेब आपको अच्छा लगे, छोटा बड़ा आप वैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है खाने में। देखिए मैंने आप गैस ऑन किया है, इसको आराम से धीमे धीमे आँच में इसको पकाना है। कितनी भी स्वीट डिशेस होती हैं वो मैक्सिमम धीमी आँच में ही पकती हैं, बहुत कम होती हैं जो तेज में पकती हैं। अब इसको पलट देंगे हम आराम से, पलट कर फिर दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। और ये हमारी जो है वो है पोहे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे, और ये चाशनी में डालने के बाद उसको हम या तो तुरंत निकाल लेंगे, या फिर हमें अगर दो दिन के बाद खाना है या दो तीन दिन रखना है तो इसको चाशनी में डुबो के ही रखने में से ही ठीक रहेगा, ताकि वो स्वीट जो है वो स्वीटनेस जो है वो अच्छे से पोहे में घुस जाए। आप चाहे तो इसमें केसर डालिए ऊपर से, या तो फिर ड्राई फ्रूट से इसको अच्छे से सजा लीजिए। ये मालपोहे जो है बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसको आप किसी भी व्रत में एक दिन पहले दो दिन पहले बनाकर दो चार दिन या एक हफ्ता तक आप फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, और बाहर तो दो दिन तीन दिन रख कर भी खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी रहता है। और सबसे बड़ी बात है ये फिलअप पेट करता है, पेट को फिल करता है, और व्रत में बहुत आसानी से आप बना कर अच्छे से खा सकते हैं, और बिना व्रत वाले भी खा सकते हैं। जिसको मतलब ग्लूटेन फ्री वाला है कि नहीं मुझे नहीं खाना है आटा, तो सिंगाड़े का आटे का बनाएं, उसका भी बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। ये ड्राई फ्रूट से आपके पास जो भी पसंद का ड्राई फ्रूट हो उससे आप सजाइए, ये बहुत टेस्टी और अच्छे से बन गया है। आपके मालपुए तैयार हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बताइए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और अगर आपको कोई नई रेसिपी देखने के मन हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।